वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। और आज मैं आपको यहाँ पे इस तालाब की ओर लेकर आया हूँ, जिसको कहते हैं मस्तानी तालाब। हड़प्सर गाड़ी तल से ये जो सड़क चल रही है तो ये जा रही है सासवड़ की ओर। सासवड़ जाने के लिए आपको जो है दिवे घाट चढ़ करके ऊपर जाना होता है, लेकिन हम जहाँ जा रहे हैं वो है मस्तानी तालाब। तो उसके लिए हमको ऊपर दिवे घाट में जाने की ज़रूरत नहीं है, हमको नीचे जो है एक छोटा सा गांव है जिसका नाम है वड़की। हाँ, वड़की गांव से हम लोगों को एंटर करना है अंदर, और उसी के आगे जो है हमको अपना मस्तानी तालाब मिल जाएगा। तो आइए आगे चलते हैं वड़की गांव की तरफ। मस्तानी तालावला इकडनं जाय का रस्ता? खाली गेला का रे? एकदम पाठीमागं जायचा? हां, भैया पार्किंग किधर करनी है? इधर से पार्किंग हो जाएगी। ₹20 देने? कितनी देर की पार्किंग के लिए ₹20 देने? 6 बजे। हाँ, 2-3 घंटा रुक सकते हैं। अच्छा, ये लो। तो हम पहुंच गए हैं यहाँ पे तालाब पे, और पार्किंग वाले को टिकट दे दिया है, पैसे दिए है, टिकट ले लिया है। और अभी यहाँ पे जो है चल के करते हैं पार्क, और फिर आपको जाना है वॉक। वॉक करके कहाँ तक जाएंगे? बच्चों के लिए क्या, फिर ये बड़ों के लिए भी, देखिए ये कैमल राइड भी रखी है यहाँ पे। तो कैमल तो बेचारा यार ये धूप में पता नहीं कब से बैठा होगा। और ये देखिए किस तरह से स्टिल खड़ा है ये। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। और आज मैं आपको यहाँ पे इस तालाब की ओर लेकर आया हूँ, जिसको कहते हैं मस्तानी तालाब। ये मस्तानी तालाब जो कहते हैं कि हिस्ट्री बताती है कि यहाँ पे जो है 1720 यानी कि 1720 सन 1720 में ये यहाँ पे जो है इस तालाब की दीवारें खड़ी कर दी गई। और इसके साथ में एक बहुत खूबसूरत रोमांटिक हिस्ट्री ये बताती है कि यहाँ पे जो है दो बहुत ज़बरदस्त प्रेमी जो है बाजीराव पेशवा और उनकी जो मस्तानी मोहब्बत थी वो यहाँ मुलाकात करते थे और यहाँ पे पानी में नहाते थे, स्विमिंग करते थे, तैरते थे। और यहाँ पे जो भी उनकी अपनी प्राइवेसी होती थी यहाँ पे आके वो एंजॉय करते थे उस ज़माने में। ये जगह जो है पूना से लगभग 40 किलोमीटर तो कम से कम दूर होगा ही होगा। तो इस वक्त जो है यहाँ पे पानी बिल्कुल कम है, क्योंकि पिछली बारिश में जो है यहाँ पे बहुत कम बारिश हुई, तो इस वजह से ये तालाब ठीक तरह से भर नहीं पाया और जल से ये अभी धूप में सूख भी गया। और अभी तो और 2 महीने यहाँ पे गुजरने हैं, तो पता नहीं यहाँ पे अभी ये 2 महीने और अप्रैल और मई के गुजरते जब तक कि वापस से दोबारा बारिश आए तो ये भी थोड़ा सा पानी जो है फिर सूख जाएगा। लेकिन यहाँ पे पानी अक्सर, बारिश अच्छी होती है तो पानी बहुत होता है और बहुत खूबसूरत लगता है। बहुत ज़बरदस्त जगह है यहाँ पर।
ये जगह जो है आपने यानी कि पूना से बहुत इजीली एक्सेसिबल है। रास्ते में मैंने आपको बताया कि किस तरह से हड़पसर से सासवड़ की जाने वाली रोड पे यहाँ पे आना है और फिर वड़की गांव की तरफ जाना है। वड़की गांव से आगे कुछ 10 मिनट का ही रास्ता है कि ये हम लोग जो है यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे काफ़ी सारी जगह पे जो है कलर है और जो बताते गए यहाँ पे बहुत लोगों ने आकर अभी थोड़े दिन पहले जो होली हो गई है तो होली खेली है। और ये आ गए हम ऑलमोस्ट पानी के करीब। छोटी छोटी मछलियाँ भी है तालाब में और देखो किस तरह से ये मछलियाँ यहाँ पे घूम रही है। काश के मैं इन लोगों के लिए कुछ ब्रेड वगैरह ले आता। तो सामने देखिए बर्ड्स किस तरह से मछली का शिकार करने के लिए, एक तो जो सफ़ेद वाला जो जिसे बगला कहते हैं तो वो तो पानी में ही बिल्कुल बैठा है। और यहाँ पे शाम के वक्त में और भी बहुत सारे बर्ड्स आ जाएंगे। तो ये रही दोस्तों अपनी मस्तानी तालाब की सैर। आज के लिए इतना काफ़ी है तो चलो चलते हैं, चलने का वक्त हो गया है और अभी अपने को जाना है दूर।